नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान जारी है। शराब नीति, शिक्षा नीति, विधायकों की खरीद फरोख्त समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को शिक्षा नीति को लेकर हर रोज घेर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसका जवाब देने में लगी हुई है। हाल ही में बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल का दौरा करने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच काफी बहसबाजी हुई थी। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के कृषि विहार में स्थित एमसीडी स्कूल का दौरा किया और स्कूल जाकर वहां की खामियां और कमियां गिनवाई हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर हमला भी साधा है। वहीं दूसरी तरफ आप विधायक दुर्गेश पाठक इंद्रपुरी के स्कूल पहुंचे तो वहां उन्हें स्कूल के गेट पर ताला लटका मिला, तो कई स्कूलों में टीन की छत मिली, तो कहीं ऐसा भी देखने को मिला कि एक ही कक्षा में तीन क्लासरूम बनाए गए हैं। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने एमसीडी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये है बीजेपी का एमसीडी स्कूल। स्कूल की जर्जर दीवारें और टूटी खिड़कियां साफ बता रही हैं कि बीजेपी के एमसीडी ने स्कूलों की क्या हालत बना दी है। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के स्कूल देखने आए हैं। इंद्रपुरी के अंदर ये स्कूल है और स्कूल की हालत बड़ी ख़राब है। मैंने यहाँ बताया था कि मैं 11 बजे आऊँगा और स्कूल का देखेंगे, इनके लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे ताला लगा दिया गया है और कहा गया है कि आपको आने की परमिशन नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्यों परमिशन नहीं है, मैं तो क्षेत्र का एमएलए हूँ, आ सकता हूँ। मेरे साथ पेरेंट्स भी हैं, इनके बता रहे हैं इनके बेटे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनके भतीजे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनके भी बेटे यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सारे पेरेंट्स भी आए हैं, वो अंदर बच्चों से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना गेट खोला जा रहा है, ना ही कह रहे हैं कि आप यहाँ अंदर आ सकते हैं। परमिशन की बड़ी बुरा हाल है। मैं आपको स्कूल के हालत दिखाता हूँ। स्कूल के बहुत बुरे हाल हैं, आप देखेंगे पूरी तरह से टूटा हुआ है स्कूल। इस तरह के हालात में है स्कूल, पूरी तरह से बहुत ख़राब स्थिति में, इस तरह के हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बुरे हाल में है स्कूल ये पूरा का पूरा, और स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना स्कूल के अंदर बातचीत करने दिया जा रहा है, ना स्कूलों की हालत देखनी। तो इससे पूरी तरह से ये तय हो चुका है, जबकि हम पूरी बीजेपी को ये कहते हैं कि आपका जब मन करे, जिस भी स्कूल में आप आना चाहते हैं आप आएँ, आपका स्वागत, हम एक एक स्कूल दिखाएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि आपको दिक्कत किस चीज़ की है, क्या छुपाना चाहते हैं आप, क्योंकि आपके स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टिन है, टिन के अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं, ये टिन सेट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये टिन सेट है, अंदर देखेंगे आप बच्चे भी पढ़ रहे हैं, टिन सेट है अंदर, पूरी तरह से स्कूल नहीं है, ठीक है। सामने भी जो पूरा का पूरा आप देखेंगे, अगर मैं ये जूम हो सकता है, आप देखेंगे कि खपड़े के अंदर ये पूरा का पूरा स्कूल है। ये स्कूल पूरी तरह से स्कूल, पता नहीं से गांव देहात नहीं कहेंगे, गांव देहात से भी ज़्यादा पूरे हाल में स्कूल है ये। तो ये स्थिति है, भारतीय जनता पूरी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। 15 साल के अंदर इन्होंने जो बुरा हाल किया है दिल्ली के स्कूलों का, वो आपको दिखाई दे रहा है। पूरी एमसीडी के जो भी स्कूल हैं पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने एक वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा, आप देखिए एक रूम में 4 क्लास चल रही हैं, 7 कक्षाओं के लिए मात्र 3 टीचर हैं। देश को बहुत मूर्ख बना चुकी बीजेपी, अब हिंदू मुसलमान नहीं स्कूल अस्पताल की राजनीति होगी। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।